वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। एनसीईआरटी के सेमेस्टर सीरीज में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज कवर करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी वाला पार्ट देख लिया है, इन केस अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लें। उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द प्लेट्स मूव? जो प्लेटें हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेटें हैं, वो क्यों मूव करती हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने कहा कि प्लेट मूव्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द माल्टन मैग्मा। तो माल्टन मैग्मा जो है उसकी मूवमेंट की वजह से प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। और कैसे मूवमेंट होता था उसमें, तो हमने कहा कि मान लीजिए कि कहीं पे नीचे माल्टन मैग्मा है। अब क्योंकि माल्टन मैग्मा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इस वजह से इसमें टेंडेंसी होगी ऊपर उठने की। ओके, जब ये ऊपर उठेगा तो ऊपर ये लिथोस्फेरिक हिस्सा है, इस पर क्या करेगा, टकराएगा, फिर ये ठंडा होगा धीरे धीरे, फिर नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे गर्म होगा, नीचे से गर्मी लेकर के फिर ऊपर उठेगा, फिर ठंडा होगा, फिर टकराएगा। यही प्रोसेस इसकी लगातार चलती रहती है और ये लगातार प्लेट को हिट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटों में मूवमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेज? तो एक्सोजेनिक इंडोजेनिक फोर्सेज का मतलब क्या होता है, इनका मतलब इनके नाम में ही छिपा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोजेनिक। तो एक्सोजेनिक जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो आपका हो गया एक्सो एंड देन दूसरा आपका हो गया जेनिक। एक्सो का मतलब होता है बहिर, बाहर, आउटर। ओके, एंड इन जो जेनिक है इसका मतलब हो गया ओरिजिन। तो हम कह सकते हैं ऐसे फोर्सेस जिनका ओरिजिन पृथ्वी के सतह पर इतने सरफेस पे होता है, जो बहिर्बल होते हैं, जो पृथ्वी के बाहर काम करते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। फोर्सेज विच वर्क्स आउटसाइड द अर्थ इंटीरियर नोन एज द एक्सोजेनिक फोर्सेस। और अगर बात करें इंडोजेनिक, तो इंडो का मतलब होता है इनर साइड, अंदर। तो जो फोर्सेस, जिन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, इन साइड ऑफ द अर्थ है, उन्हें कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं द फोर्सेस विच ओरिजिनेट्स इन साइड द अर्थ इज नोन एज इंडोजेनिक फोर्सेज, एंड द फोर्सेज विच ओरिजिनेट्स आउटसाइड द अर्थ, इट मीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेज। तो सिंपल डेफिनेशन हमने इसे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपरदन। तो इरोजन का मतलब हो गया वियरिंग अवे द लैंडस्केप और द लैंडमार्क्स। मतलब कि जो भी कोई भी एक लैंडस्केप है, कोई भी एक जो आकृति है पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की, उस आकृति को काटना, छाटना, अपरदित करना, मीन्स काटना, छाटना और उस काट छाट के उस मटेरियल को जो है साइड कर देना। तो ये क्या है, ये है आपका इरोजन। तो जब भी किसी लैंडस्केप को वियरिंग अवे, इट मीन्स काटा छाटा जाता है विभिन्न एजेंट्स के द्वारा। एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, एजेंट्स हो सकता है आपका वाटर हो, या फिर आपका हो सकता है एयर हो, या फिर आपका हो सकता है आइस हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके एजेंट्स हैं जिनके माध्यम से ये वियरिंग किया जाता है, काट छाट की जाती है, छटनी की जाती है। तो इन एजेंट्स के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ वियरिंग एजेंट्स, वाटर, एयर एंड आइस, वियरिंग अवे द लैंडस्केप इज नोन एज द इरोजन। तो इसको हमने समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? किस प्रकार से जो बाढ़ के मैदान होते हैं उनका निर्माण होता है, तो आइए इसे समझते हैं। हालांकि इस चीज़ को हमने थ्योरी वाले पार्ट में समझ लिया, लेकिन फिर से एक बार हम यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अब फर्ज करिए कि ये आपका जो है क्या है, एक रिवर है, एक सर्पिलाकार घूमती हुई रिवर है, और ये साइड साइड रिवर के क्या हो गए, बैंक हो गए, जहाँ पे पानी इनका रुक जाता है। ओके, तो होता क्या है कि जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पे जो है पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पानी जब नदी में ज़्यादा होता है तो नदी क्या करती है, अपने बैंक को ब्रेक करके बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकल के कई सारे एरिया में फैल जाती है, और इन एरिया में जो है एक नई मिट्टी की परत, एक न्यू फर्टाइल सॉयल लेयर क्या करती, बिछा देती है। और जब ऐसा होता है तो ये जो पूरा एरिया जहाँ जहाँ तक पानी इसका गया होता है, जहाँ जहाँ तक वो नई लेयर बिछ जाती है, उसे हम कहते हैं ये क्या है, एक फ्लड प्लेन है, एक बाढ़ का मैदान है। तो बस इसी तरह से बाढ़ का मैदान होता है, बनता है, व्हेन द रिवर ब्रेक्स आउट इट्स बैंक एंड फ्लोज अप टू सर्टन एरिया एंड ले डाउन अ वेरी फाइन अ न्यू फाइन सॉयल लेयर दैट इज फाइन भी होता है, फर्टाइल मतलब बहुत महीन होता है और बहुत ही उपजाऊ भी होता है। सो फाइन एंड फर्टाइल लेयर ऑफ सॉयल दैट इज नोन एज द फ्लड प्लेन। समझ गए आप? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? तो हमने कहा कि जो रेत का टीला होता है, ये जब डेजर्ट में जब एयर ब्लो होती है, जब एयर डेजर्ट में चलती है, तो उस दौरान क्या होता है कि वो अपने साथ सैंड्स को क्या करते हैं, उठा देते हैं। उठा करके वो दूसरी जगह, अगर ब्लो करते हैं बह रही हैं तेज़ी से, दूसरी जगह ले जाते हैं उसको, और दूसरी जगह पर उसको ले आके डिपॉजिट कर देते हैं। पर जब ऐसा होता है कि ये जो हवाएं होती हैं ये सैंड्स को उठा तो देती हैं ऊपर, ओके, बट ये इसको ब्लो करके दूर तक नहीं ले जाती हैं, ये इसे वहीं पर गिराने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तो एक ही जगह पर सैंड की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से हमें दिखता है सैंड ड्यून्स, रेत का टीला, ओके। सिंपल सा फॉर्मेशन है, जब हवाएं जो हैं एक ही जगह ले आकर के सैंड को बिल्कुल एक ही जगह, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करती जाएँ, रखती जाएँ, तो उसे सैंड ड्यून्स का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर बीचेस फाउंड? देखिए, बीचेस कैसे बनते हैं? सिंपल सी बात है, जब सी वेव्स आती हैं तो अपने साथ ढेर सारे ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और उन सेडिमेंट्स को ये ला करके बीच किनारे जो हमारा जो शोर वाला पार्ट होता है, सी शोर का मतलब हो क्या, ऐसा पार्ट जहाँ पे सी और लैंड जो है मिल रहे हैं, दिखते हैं हमें, दिखाई देते हैं मिलते हुए, तो अब यहाँ पर क्या करेगा, ला करके डिपॉजिट ढेर सारे सेडिमेंट्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड्स यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाता है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे बीच का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप किसी भी बीच पे जाएंगे तो आप देखेंगे रेत की बहुत बहुत परतें वहाँ पे जमी होती हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल फैक्टर ऑफ द सी वेव्स, जो सी वेव्स जो डिपॉजिट करती हैं ला करके सेडिमेंट्स को, उनकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑक्सबो लेक्स? ओके, ऑक्सबो लेक्स इसे हम कहते हैं कि ये जो आपका ऑक्सबो लेक है, इसे नाम क्यों दिया गया ऑक्सबो लेक, इसके बारे में समझेंगे, ओके, और इसको कैसे ये बना इसके बारे में समझ लेते हैं। हालांकि हमने थ्योरी वाले पार्ट में समझ लिया, लेकिन आप फिर से देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, रिवर है, ओके, तो ये पहला मान लीजिए पोजिशन है रिवर की। अब मान लीजिए कि रिवर क्या कर रही है, लगातार ला करके यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, तो फिर क्या होगा, अगली इमेज में ये होगा कि थोड़ा सा और घूम के जाना शुरू करेगी, क्योंकि क्या, क्यों घूम के जाना शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पे इसे ऑलरेडी खूब सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिया है, तो यहाँ से जाहिर सी बात यहाँ से कट जाएगी, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, फिर करते 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 ऐसे होते होते फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पे ढेर सारा डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न हो गया है, तो डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, और जब ऐसा डिपॉजिट होगा पता चला कि और ज़्यादा ये फिर घूमना शुरू कर देगी, ओके, ऐसे देखिए ऐसे घूमना शुरू कर देगी। अब एक समय फिर आएगा लास्ट स्टेज में कि यहाँ पे और सारा डिपॉजिट होने लगेगा, डिपॉजिट जब हो जाएगा यहाँ पे सेडिमेंट्स, तो ये रास्ता हो जाएगा ब्लॉक, इसके बाद रिवर कहीं यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगी, और फिर आकर के यहीं कहीं मिल जाएगी इससे, तो ये पूरा ऐसा जो कट के ना ये निकल जाएगा बाहर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आपका ऐसा दिखेगा, और यहाँ बगल में आपकी रिवर फ्लो कर रही है, वो कट के निकल गया। तो जब ऐसा निकल के आता है तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, ऑक्सबो लेक है। ये देखिए जो बैल होते हैं ना, बैल का जो खुर होता है उसके जैसा कुछ दिखाई देता है ना, इसलिए इसका नाम ऑक्सबो रखा गया है, ओके। सिंपल सी ट्रिक थी, सिंपल चीज़ें थी जो कि हमने समझ लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाला कवर कर लिया, नाउ टिक द करेक्ट आंसर। सो विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स? सी वेव्स का कौन इरोजनल फीचर्स नहीं, ध्यान रखें डिपोजिशनल की बात नहीं कर रहा, इरोजनल की बात कर रहा है। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा इसमें डिपोजिशनल है, तो क्लिफ है नहीं है, बीच, हाँ बीच में देखिए सेडिमेंट्स ला करके सी वेव्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो ये इरोजनल नहीं डिपोजिशनल फीचर है। सी केव ये तो इरोजन के माध्यम से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर क्या है, फ्लड प्लेन नहीं ये तो रिवर का है, बीच नहीं ये तो सी वेव्स का है, मोरैन, यस मोरैन जो है ये क्या है, डिपोजिशनल फीचर्स है ग्लेशियर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि अचानक से बन जाता है, अचानक से हो जाता है, तो वोल्केनो, हाँ बिल्कुल होता है, फोल्डिंग नहीं, फोल्डिंग में बहुत समय लगता है, और आज भी कई सारे माउंटेंस फोल्ड हो रहे हैं लगातार, तो ये कह नहीं सकते, ये कई हजार वर्षों तक ये ऐसा होता रहता है। फ्लड प्लेन्स अचानक से नहीं होता है, कई दिन लगातार ऐसे होते 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 जब नदियों में बाढ़ आती है, नदी अपना जल अपने बैंक से बाहर निकालती हैं, और फिर धीरे धीरे जब तक बाढ़ रहती तब तक ये फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती रहती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम रॉक्स आर फाउंड कहाँ बनता है, डिजर्ट में, क्योंकि क्या होता है जो इस प्रकार से मजबूत हार्ड रॉक्स हो जाते हैं आपके डेजर्ट में, तो हवाएं आती हैं तो उनके साइड साइड को केवल काटती छाटती हैं, ऊपर किसे को छोड़ दें, तो कोई कुछ इस प्रकार से हमें आकृति देखने को मिलती है, इसे कहते हैं मशरूम रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, जाहिर सी बात है कहाँ पे, रिवर वैली में, अभी हमने समझा जस्ट। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग देख लेना है।
ओके सो हियर आर सम क्वेश्चंस। अब देखिए ग्लेशियर्स, तो यहाँ पे देना है कि ग्लेशियर्स जो है कैसे फॉर्म होता है, तो हम कह सकते हैं ग्लेशियर्स जो है रिवर आइस, रिवर ऑफ आइस के द्वारा फॉर्म होता है। मियांडर्स कहाँ बनते हैं, अब बताइए मियांडर्स कहाँ बनते हैं, तो अब इसमें ढूंढना है हमें कि सी शोर पे बनते हैं या रिवर्स पे या वाइब्रेशन ऑफ अर्थ या डेजर्ट पे बनते हैं। तो हमने देखा मियांडर्स भी कहाँ बनते हैं, आपके रिवर्स में बनते हैं। बीच, बीच जो है आपका सी शोर पे बनता है। सैंड ड्यून्स आपके डेजर्ट की वजह से बनते हैं। वाटरफॉल्स हार्ड ब्रेड रॉक की वजह से बनते हैं। अर्थक्वेक वाइब्रेशन ऑफ अर्थ की बात करता है। ओके तो ये हमने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो कि थोड़ा आपको सोचना है, आपने थ्योरी भी पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी देख लिया। नाउ इट्स योर टर्न टू गिव बूस्ट टू योर ब्रेन। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीजन, आपको रीजन देने हैं। सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, कुछ रॉक्स जो हैं मशरूम के शेप के होते हैं, ऐसा क्यों होता है, वाई वाई इट इज सो, आपको ये सोचना है अपने और ग्रुप में आप चर्चा कर सकते हैं, जिस ग्रुप का नाम है आपका चांसले टाइम। इस ग्रुप में आप चर्चा भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, इसमें आप भी टाइप कर सकते हैं। ओके तो इस ग्रुप से जुड़ जाइए, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें जब भी आप चांसले टाइम टेलीग्राम पे जाकर टाइप करेंगे तो यहाँ से आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। व्हाई, आपको देना है रीजंस। सी केव्स आर टर्न इंटू स्टेक्स, जो सी केव्स बनते हैं वो फिर धीरे धीरे करते करते स्टेक्स में कैसे बदल जाते हैं, इसके बारे में भी बताना है। बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, बिल्डिंग्स अर्थक्वेक आने पर कोलैप्स क्यों हो जाती है, इनके बारे में भी चर्चा करना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है, एक्टिविटी ग्रुप में आपके ढेर सारे फ्रेंड्स हैं उनके माध्यम से आपको अब चर्चा करनी है इसके बारे में। ओके सो डियर फ्रेंड, ये रहा आज का वीडियो हमारा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।